हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके पोको M3 Pro 5G फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहे तो इस प्रॉब्लम को जो है आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक पोको M3 Pro 5G फ़ोन है वो जो है बहुत हैंग हो रहा है किसी एप्लीकेशन को चलाने में या रन करने में, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है आप लोगों को बैकग्राउंड में से एप्लीकेशन को क्लियर कर देना है। अगर आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एप्लीकेशन को रन किया है। अगर आपके फ़ोन में ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में, गेम्स, वीडियोस या वेबसाइट वगैरह, तो इन सब को जो है आप लोगों को क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर से इन सब को ऐसे करके क्लियर कर दीजिए और आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, उसके बाद यहाँ पर ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, उसके बाद हॉटस्पॉट, नियर बाय शेयर। अगर आपके फ़ोन में गाइस ये सब ऑप्शन ऑन रहेगा तब भी जो है आप लोगों को हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से गाइस इन सब ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ अगर आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑफ़ कर दो और आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, उसके बाद अपने फ़ोन को क्लीन करके रखना है। क्लीन करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी का एप्लीकेशन दिया जाता है पोको के फ़ोन में, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऊपर के साइड में क्लीनर का ऑप्शन होगा, तो इस क्लीनर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लीनर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अपन नीचे क्लीन अप का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा वेट करते ही देख सकते हैं क्लीन अप का ऑप्शन आ गया है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे और अपने फ़ोन को जो है क्लीन कर लेंगे। फ़ोन को क्लीन करने के बाद भी यहाँ पर जो आप लोगों का हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग यहाँ से भी क्लीन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ पे भी क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोन जो है थोड़ा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। ऑप्टिमाइज़ होने के बाद भी जो है आप लोगों का फ़ोन का जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर से क्लीन करते रहिए, आपका हैंगिंग प्रॉब्लम ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज फुल रहेगा तब भी जो है आप लोगों को हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो स्टोरेज को थोड़ा सा खाली कर लेना है गाइस, स्टोरेज फुल रहने से फ़ोन बहुत हैंग होता है। तो स्टोरेज को खाली करने के लिए यहाँ पर आप लोग गैलरी में से फ़ोटोज़ और वीडियोस को डिलीट कर सकते हो, आपका स्टोरेज जो है थोड़ा खाली हो जाएगा। तो अगर फ़ोटोज़ और वीडियोस डिलीट करने से भी स्टोरेज खाली नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रैश बिन में सब जमा हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों को एल्बम्स में आना है और ट्रैश बिन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग जो भी डिलीट कर रहे थे वो सब यहाँ पर डिलीटेड आइटम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से जब आप लोग डिलीट करोगे तभी जो है आप लोगों का स्टोरेज थोड़ा खाली हो जाएगा और आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग्स पे क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर गाइस आपको ऐप के जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ़ करना है। ठीक है गाइस, तो जिस भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑफ़ करना है, मतलब आप लोगों को लगता है कि उस ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आने से भी चलेगा, तो यहाँ पर से उन सब ऐप का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। ठीक है गाइस, ऐसे करके देख सकते हैं ब्लू कलर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा। नोटिफिकेशन को बंद करने से भी आप लोगों का जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं गाइस, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर के साइड में देख सकते हैं जीमेल का प्रोफाइल है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन होगा नीचे, तो सेटिंग्स में हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर तीन ऑप्शन होंगे गाइस, ठीक है। तो अगर आपके फ़ोन में इन दोनों में से सेट है, ऊपर के दोनों सेटिंग्स में ओवर एनी नेटवर्क्स और ओवर वाईफाई ओनली, तो इन दोनों में से सेट होने से क्या होगा गाइस, जब भी आप लोगों का नेट ऑन होगा या वाईफाई कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अपडेट होता रहेगा, तब भी जो है आप लोगों का फ़ोन हैंग होगा। ठीक है गाइस, तो इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए देख सकते हैं नीचे डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अभी जो है कोई भी एप्लीकेशन आपका बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा और आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।
तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने पोको M3 Pro 5G में गाइस हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।